नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्ती टाइम 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे, जहां हम आपको दिखाएंगे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। तो हर राज्यों की खबरों को देखने के लिए चैनल को अभी लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। आगामी 10 मई 2024 को भगवान परशुराम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में समस्त ब्राह्मण समाज द्वारा विप्रसेना के बैनर तले जोधपुर परशुराम जन्मोत्सव का भव्य शोभा यात्रा का आयोजन पोस्टर विमोचन गौतम सभा भवन में किया गया। कार्यक्रम संयोजक दिनेश गौड़ ने बताया कि भगवान परशुराम जन्मोत्सव शोभा यात्रा को लेकर पूरे विप्र समाज में जबरदस्त उत्साह है। समाज बंधु भीतरी शहर कुड़ी बासनी भगत की कोठी कमला नेहरू नगर मशूरिया देवी रोड चौपासनी हाउसिंग बोर्ड बोरानाड़ा बालेसर आदि अपने क्षेत्रों से रैली के रूप में गांधी मैदान में आएंगे। वह गांधी मैदान से भव्य शोभा यात्रा जालोरी गेट होते हुए घंटाघर तक निकाली जाएगी। अगर इसमें भी अपन एरिया वाइज अगर अपन रैलियां लाना चाहते हैं तो वो भी अपन ला सकते हैं। ब्राह्मण समाज के आराध्य देव भगवान परशुराम जी की का जन्मोत्सव 10 तारीख को है, तो इसे भव्य रूप बनाने के लिए आज मीटिंग रखी गई है। तो हम इसकी शोभा यात्रा के लिए आप सब इकट्ठे हुए हैं, हम सब इकट्ठे हुए हैं। तो 10 तारीख को हम गांधी मैदान से लेके जालोर गेट तक शोभा यात्रा निकालेंगे। इसमें अधिक से अधिक संख्या में जोधपुर के ब्राह्मणों को और आसपास के गांव के ब्राह्मणों को भी सबको बुलाएंगे, निमंत्रण देंगे और ये भव्य शोभा यात्रा निकालेंगे। हमारे ब्राह्मण समाज के आराध्य देव भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव 10 मई को है। किसी शुभ दिन सारा ब्राह्मण समाज एक साथ एकत्र होकर एक छत के नीचे एक विशाल भव्य शोभा यात्रा का आयोजन करने जा रहा है। उस शोभा यात्रा का जो मुख्य रूट रहेगा वो रहेगा गांधी मैदान से लगाकर जालोर गेट तक। ये अभी हमारा प्रस्तावित है, अगली मीटिंग में अगर डिसाइड होगा तो इसमें रूट को और बढ़ाया भी जा सकता है। इसके अलावा हमारे हर एरिया से अलग अलग वाहन रैली के रूप में सभी लोग पहले गांधी मैदान आएंगे। 2-2 बजे सब जगह एरिया से वो रवाना होंगे, 4 बजे तक वो लोग गांधी मैदान पहुंचेंगे और 4 बजे गांधी मैदान से भव्य विशाल शोभा यात्रा के रूप में एक रवाना होकर गोल बी रोड गोल बिल्डिंग होते हुए जालोर गेट की तरफ जाएगी। अपने इस शोभा यात्रा में कितनी झांकियाँ? टोटल हमारे 51 झांकियों का हमारा टारगेट है, 51 झांकियाँ हम करेंगे। इसके अलावा कम से कम 10 से 15 हज़ार ब्राह्मण बंधु इस कार्यक्रम में एकत्रित हो। आज जो ये मीटिंग हुई है इसमें मातृशक्ति मौजूद नहीं है? मातृशक्ति के लिए ये मीटिंग आज नहीं रखी, उनके लिए एक पृथक से मीटिंग अलग से रखी जाएगी जिसमें उनको पूरी टीम बनाकर उनको कार्यभार सौंपा जाएगा। महिला शक्ति अलग अपने क्षेत्र में कार्य करेगी और बरोबर हमारे ब्राह्मण समाज में आजकल जितने भी कार्यक्रम होते हैं महिला शक्ति की भी बरोबर भागीदारी 50% की रहती है। दिनेश गौड़, अध्यक्ष विप्र सेना जोधपुर।